हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो केजी स्टडी। आज का जो आरपीएफ का कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम था, तो एनालिसिस कुछ क्वेश्चन हम लेके आए ताकि आपको नॉलेज हो सके किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। पहले देखिए इसमें कैसे क्या, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस है, एरिथमेटिक पार्ट है, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। तो इसमें तीन सब्जेक्ट है। तो जनरल अवेयरनेस जो है उसमें से 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, एक एक मार्क्स का। एरिथमेटिक है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पार्ट जो है उसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तो एक एक मार्क्स का है, तो 50 35 35, ठीक है, टोटल 120 है। तो नंबर ऑफ मार्क्स पे 120 है, और ड्यूरेशन कितना है, 1.5 आवर, 90 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन आया है। देखिए अरिथमेटिक पार्ट जो है उसमें से एसआईसीआई प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए, जो कि मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन से 5 6 क्वेश्चन पूछा गया है, इजी था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट। जियोमेट्री से 2 क्वेश्चन था इजी। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन मॉडरेट। नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन था इजी। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था इजी टू मॉडरेट। और एवरेज परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन था इजी। पार्टनरशिप जो है उसमें से 1 क्वेश्चन था मॉडरेट। और डीआई से 3 क्वेश्चन था इजी। और मिसलेनियस से 7 से 9 क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल का। तो ओवरऑल पेपर अरिथमेटिक जो मॉडरेट लेवल का था। और देखिए रीजनिंग एबिलिटी, इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आया, पूछा गया मॉडरेट लेवल का। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन इजी। नॉन वर्बल जो इमेज रिलेटेड है 4 से 5 क्वेश्चन इजी। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट। इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन इजी लेवल का। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल का। और सीरीज जो है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी लेवल का है। और मिसलेनियस से 8 से 9 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट लेवल का है। तो टोटल 35 क्वेश्चन इसमें था, जो पूरा पेपर था इजी। जनरल अवेयरनेस से किस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया, तो देख लीजिए, व्हिच स्टेट इज नोन एज द टाइगर स्टेट। ठीक है, इतना सारा स्टेट है, इसमें टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, एमपी। एमपी को हम लोग टाइगर स्टेट नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो टाइगर स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिटर्न द नाइटहुड टाइटल आफ्टर जलियांवाला बाग मसाकर। ठीक है, जलियांवाला नाम सुन के ही हम लोग किस में टिक देंगे, टिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में क्या यूज होता है, फ्रेन। इजी क्वेश्चन। हु कंडक्ट्स द ग्राम पंचायत इलेक्शन। ग्राम पंचायत इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, सरपंच। टिल व्हिच ईयर डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस टू एंड टीबी। कौन सा ईयर में, 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेयर इज नोन एज हरियाणा हरिकेन। किसको हरियाणा हरिकेन नाम से हम लोग जानते हैं, कपिल देव। ठीक है, कपिल देव को हम लोग हरियाणा हरिकेन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल में फर्स्ट पर्सन कौन पहुंचे थे, नाम क्या है, एमंडसॉन। ठीक है, एमंडसॉन। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया सीईओ आफ्टर मार्जर कौन है, वोडाफोन आइडिया का सीईओ मर्जर के बाद, बले शर्मा। ठीक है, बले शर्मा। नेक्स्ट है, फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज का फाउंडर कौन है, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज का फाउंडर है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियरी इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जुडिशियरी, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है जुडिशियरी। विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग कौन सा प्रोटीन के वजह से होता है, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉरी व्हेयर इज जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे, पुरी में है, नॉर्मल। हु स्टार्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड इसमें ऑप्शन में होगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लॉर्ड रिपन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर इज ए मिक्सचर ऑफ किस, इसका है लीड एंड टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ऑफ ए बॉडी, कहाँ पे बॉडी का मैक्सिमम वेट है? सेंटर ऑफ अर्थ पे। हु फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन? इंडिया हाउस लंदन में कौन फाउंडेड किया है, फाउंडेशन कौन किया? स्वामी जी, सॉरी श्याम जी कृष्णा वर्मा। नेक्स्ट है राइटर ऑफ द गुड अर्थ बुक, कौन सा बुक? गुड अर्थ, ठीक है। राइटर कौन है? पर्ल एस बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट का एम्पियर। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया पूछा गया है, क्या नाम है लॉन्गेस्ट डैम? हीराकुड डैम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, अगर ऐसे जल्दी जल्दी में आप नहीं पढ़ पाए तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और नहीं तो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।